ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश की गई। युवक ने हाथापाई कर पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। युवक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ाव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से एक और खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश की गई है। युवक ने हाथापाई कर पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। युवक की गुंडागर्दी का वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है, चूंकि वहीं पर लगे हुए किसी सीसीटीवी में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोक कर वहां पर चालान करने की कोशिश की होगी, और तभी गाड़ी से उसे कुचलने की कोशिश भी की गई और उसकी वर्दी को भी फाड़ दिया गया। महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई और किस बात को लेकर ये स्थितियां वहां बनी? जी मैं बता दूं, ये पड़ाव थाना क्षेत्र के पड़ाव चौराहे की घटना है, जहां पर एक युवक जो कि सुमित यादव मेरा गांव का रहने वाला है, वो अपनी कार लेकर आ रहा था। उसकी कार में जो विंडो है उसमें काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे लेकर ट्रैफिक जब पॉइंट लगा था, उन्होंने एक पुलिसकर्मी जो की रामेश्वर शर्मा है, उन्होंने उसको रोका और गाड़ी से काली फिल्म को उतारने के लिए कहा। तब उस वहां इस बात पर गुस्सा हुआ और आक्रोशित हुआ, तो उन्होंने उस युवक ने उस जो पुलिसकर्मी है उसके साथ मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी। इतना ही नहीं, जब उसने गाड़ी की चाबी छुड़ाकर जब गाड़ी में बैठा तो उसने गाड़ी से उतरने की बजाय उसका सुताई जो था उसके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास भी किया। वीडियो भी जिसमें दिख रहा है, वीडियो में साफ देखा जाता है, इस तरह से जो सुनवाई था उसके बॉनेट से बिल्कुल कुछ कुचलने से बच गया और मरने से बचा। उसके बाद उसके थाने में शिकायत की, पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को जो युवक सुमित यादव है उसको देर रात पुलिस ने तलाश कर उसको धर दबोच लिया है और गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ साफ की कार्रवाई, गाली गलौज और मारपीट जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।